सैंडविच अगर मज़ेदार हो और बन जाए मिनटों में ज़बरदस्त सा और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो बिल्कुल परफेक्ट, तो वो है भाई जनाब मेरा क्रिएटिव वर्जन वीकेंड सैंडविच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आप सबकी दोस्त राबी लली। तो आज वीकेंड सैंडविच बनाते हैं, जो कि हम बना रहे हैं चिकन सॉसेजेस के साथ और इसके अलावा फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ। तो भाई शाम का टाइम हो और मेरी हमेशा की तरह की वही बात कि शाम के टाइम में अगर आपको सैंडविच मिल जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं होती। यहाँ पर मेरे पास कुछ डिनर रोल्स हैं, चिकन सॉसेजेस हैं, कुछ मस्टर्ड सॉस है, कुछ चिली गार्लिक केचप है, सब कुछ है, बहुत कुछ है और बहुत मज़े का है। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बटर ले लिया है, तो बटर में इसको थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे, ज़रा जायका बहुत मज़े का हो जाएगा और बटर इसके टेस्ट को और इन्हेंस कर देगा। तो बारी बारी हम इसको टोस्ट कर लेते हैं। टोस्ट करने के बाद इसको रखेंगे साइड पे। ओके जी, अब उसी पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल किया, थोड़ा सा बटर डाला, जरा और मज़ेदार सा बनाएंगे और सॉसेजेस को हम करेंगे पैन फ्राई। और इसके बाद ये देखिए, अब वन बाय वन मैं सॉसेजेस रखती जाऊंगी जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए। आप चिकन सॉसेजेस के अलावा जो भी आपकी मनपसंद सॉसेजेस हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। 6 to 7 मिनट्स लगते हैं इसको अच्छा सा पैन फ्राई होने के लिए। इसको छोड़ देंगे, पैन फ्राई होने देंगे, हर तरफ से सेम कलर आ जाए। तो आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे। अब इसी वक्त गर्मा गर्म सॉसेजेस के ऊपर हमने, मैंने यहाँ चटर चीज़ यूज़ की है, आप मोज़रेला और आप अपनी पर्सनल फेवरेट जो भी आपकी हो आप वो रख सकते हैं। और इसको मैं रख दूँगी बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे ताकि ये थोड़ी सी जो है ना सॉफ्टनेस आ जाए इसके अंदर। तो ऑलरेडी ये जनाब बिल्कुल तैयार है। आ जाते हैं दूसरी तरफ, जल्दी झटपट सी हम अच्छी सी स्प्रेड बना लेते हैं। प्लेन मेयोनीज ले ली, थोड़ा सा मस्टर्ड ले लिया, क्वांटिटीज आपके सामने नज़र आ रही हैं, चिली गार्लिक केचप, बहुत सिंपल रेसिपी है और बेहद डिलिशियस, और थोड़ा सा मैंने हनी डाला है, शहद जो कि होता बहुत ही मज़ेदार सा है, हल्की सी ब्लैक पेपर डालूंगी, दैट्स इट, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सा मिक्स करेंगे। ओके, ऑन दी अदर हैंड हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल बारीक कटी हुई कैरेट, क्यूकम्बर और इसके अलावा लेटस लीफ यानी कि गाजर, खीरा और हरे जो पत्ता होता है, पत्ता सलाद पत्ता वो है, उसको हमने बारीक बारीक काट लिया। ये देखिए सॉसेजेस आर रेडी और बंस भी बिल्कुल रेडी है हमारे पास। स्प्रेड लगाएंगे, ज़्यादा लगाना चाहें ज़्यादा लगाएं, कम लगाना चाहें कम, बेहद मज़ेदार बनता है। और उसके बाद आगे आगे देखिए फ्रेश फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं जिसके ऊपर हमने स्प्रिंकल किया है मिक्स्ड हर्ब को, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये गर्मा गर्म चीज़ी हमने सॉसेजेस रखी इसके ऊपर, बस ये रेडी है। दूसरा भी, दूसरे बन के ऊपर भी आप अच्छी सी सॉस लगाइए और इसको पैक कीजिए और उसी वक्त गर्मा गर्म खा लीजिए। तो इसी तरीके से जल्दी 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 मैंने सारे सैंडविचेस बना लिए। सैंडविचेस बना के हम लोगों ने अपने वीकेंड को किया एंजॉय, बेहद फन किया, बहुत मजा किया। सैंडविचेस बेहद मजेदार चीज होते हैं और बहुत ज़्यादा यूनिक भी होते हैं क्योंकि आप इसको अपने स्टाइल में ढाल सकते हैं, आप जिस तरीके से चाहें अपना क्रिएट कर सकते हैं अपना वर्जन सैंडविचेस में। तो ट्राई कीजिएगा, एंजॉय।